नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, अक्टूबर माह में आने वाली शारदीय नवरात्रि हम सभी के लिए खास है। इस बार इसकी शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलेगा। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। नवरात्रि के त्योहार की धूम मंदिर से लेकर पूजा पंडाल व घर घर में नजर आती हैं। इस दौरान कलश की स्थापना भी की जाती है। परिवार के साथ पूजा करते हुए सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद भी लेते हैं। साथ ही कुछ लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं। इस दौरान पूजा के सभी नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अक्सर लोग नवरात्रि की पूजा में गलतियां कर देते हैं, जिस पर उनका ध्यान नहीं जाता। इस वीडियो में आइए उन सभी गलतियों के बारे में गुरुजी से विस्तार से जान लेते हैं। किसी भी पूजा या उपवास को तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक हवन ना किया जाए। नवरात्रि में हवन जरूर करना चाहिए, यह आपके उपवास को पूरा करता है। इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कलश स्थापना। नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना का अपना अलग महत्व है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान कलश को देवी की शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है, इसलिए कलश को स्थापित करना ना भूलें। आरती करना। आमतौर पर व्यस्त रहने के कारण कुछ लोग आरती किए बगैर ही उपवास रख लेते हैं, हालांकि यह तरीका गलत है। यदि आप नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं तो नियमानुसार आरती करें, इससे आपके व्रत को पूर्ण माना जाता है। माता का श्रृंगार। आपकी पूजा में माता का 16 श्रृंगार होना बेहद जरूरी है, जिनमें बिंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, मेहंदी, बाजूबंद, हाथ फूल, मांग टीका, झुमके, नथ, काजल, मंगलसूत्र, लाल चुनरी, कमरबंद, कुमकुम, पायल और बिछिया का नाम शामिल है। कन्या पूजन। नवरात्रि की पूजा में कन्या पूजन बेहद शुभ माना जाता है। वह सभी कन्या देवी के समान होती है, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। हालांकि आम दिनों में भी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, यह बेहद खास माना जाता है। इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसमें नव दुर्गा की पूजा करने से सिद्धि, बल, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित हैं, जिसमें उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि माता रानी की कृपा हो, वे सदैव रक्षा करें और मनोकामनाओं को पूरा करें। माँ दुर्गा की पूजा में लाल गुड़हल का फूल अवश्य ही चढ़ाया जाता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि यह उनका प्रिय फूल है। इसके बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल क्यों चढ़ाया जाता है। नव दुर्गा को कौन से फूल प्रिय है? माँ दुर्गा को क्यों प्रिय है? लाल गुड़हल का फूल जब बात दुर्गा पूजा की आती है तो गुड़हल जैसा कोई फूल नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवी को गुड़हल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, उसमें लाल गुड़हल के फूल का भी वर्णन है। इस वजह से माना जाता है कि लाल गुड़हल का फूल माता रानी को प्रिय है। वैसे भी लाल रंग सौभाग्य, शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। माँ दुर्गा आदिशक्ति हैं, इसलिए उनको लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं, जैसे लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग के फूल आदि। लाल गुड़हल के फूल के ज्योतिष उपाय नंबर 1, भय मुक्ति और शक्ति के लिए नवरात्रि के समय में आप दोपहर में लाल गुड़हल का एक फूल माँ काली को अर्पित कर दें। इससे माँ काली प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से भय दूर होगा। माँ काली के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। नंबर 2, कार्य में सफलता और संकट से रक्षा के लिए नवरात्रि में आप पूजा के समय माँ काली को लाल गुड़हल के फूलों की एक माला पहनाएं। फिर उसके बाद कुंजिका स्तोत्र के मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। उनके आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे और संकट दूर होंगे। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई है प्रस्तुति पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पुनः भेंट होगी।
इसी प्रकार की जानकारी के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।